हेलो जी, बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? जी मेरी जान, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? जी कौन साहब, नाम क्या है आपका? कौन सी जगह से? चकवाल से? जी पीर फलाई, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? जी। ठीक। कौन सी जो है वो ब्रीड कौन सी है? मिक्स है, यानी कि क्रॉस है। अच्छा, मेरी जान, उसका रहम का कोई थोड़ा सा टेस्ट कराएं। रहम ठीक है उसका? करा दें? नहीं, उसकी जो तारे वगैरह करती है वो को हैं? वो जरा थोड़ा सा चेक करा लें क्या वो ठीक है या नहीं। अगर उसमें इन्फेक्शन है तो पहले उसके इन्फेक्शन का इलाज कराएं, उसके रहम का। अगर जो ठहरती नहीं है, दैट मींस कि उसके रहम में कोई मसला है। अगर है तो उसका रहम का इलाज है, यूट्रस फ्लोर मिल जाती है दवाई, वो उसको रखवाएं उसके अंदर, ठीक है? ना हो तो अगर ज्यादा कोई इन्फेक्शन है तो एक मैं हमेशा एक कोर्स करवा देता हूँ जिससे उसका रहम बिल्कुल A1 हो जाता है। वो है वो आपको ट्राईऑक्सिल LA के 25-25 CC का 4 दिन टीका लगाते हैं तो इसका रहम ठीक हो जाता है, ठीक है? वो करा लें, पहले आप पता तो करा लें कि उसका रहम ठीक है या खराब है, ठीक है? फिर अगर नहीं होगा तो मैं कौन सा दूर भाग रहा हूँ। तो मेरे प्रोग्राम्स भी आप देख रहे हैं, उसका मैं बहुत सारे टीके हैं, बहुत सारे हैं, उसका रहम का इलाज सही हो जाएगा तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ठहरेगी। लेकिन फिर भी अगर उसका रहम में भी ठीक है, सब कुछ है, फिर नहीं ठहर रही, तो फिर इसके लिए हम ये है, जब आप उसके टीका रखवाएं या कुदरती मिलाप कराएं, उससे पहले याद रखें, गाय को अगर बोलती है शाम को ऑब्जर्व किया जाता है, ज्यादातर हिजान में आ जाती है, शाम को आती है तो 12 घंटे बाद उसमें बीज रखवा दें या उसका मिलाप करा दें। भैंस को बोलती है 24 घंटे बाद करा दें, ठीक है? ये एक जनरल सा उसूल है, मेरे प्रोग्राम्स में अक्सर आप देखते भी रहते होंगे। और दूसरा ये है कि उसको अगर उसका रहम बिल्कुल ठीक है तो उसको जब उसमें बीज रखवाना है, उसे 1 घंटा पहले आपने एक डेलमार लिन का 2 CC का इंजेक्शन लगाना होता है। उसके बाद आप मिलाप करा के इसको ठंडी चीजें पिला देते हैं, वो भी आपको मैंने दी हुई है, जिसमें मेहंदी है, जौ खार है और मुश्कपूर की गोलियां हैं। 1 लीटर पानी लिया, वो पिला दिया और उससे ये होगा, ठहर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है मेरी जान? दुआओं में याद रखें और पूरे चकवाल को सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम पारा नंबर 1, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 67। أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. میں جہالت سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.